पुटकी बलियारी बीसीसीएल क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के शौचालय में रहस्यमय परिस्थिति, पार्वती के शव पाए जाने के विरोध व न्याय देने की मांग को लेकर मोहन बाजार परदाबाद में रैयत किसान विस्थापित संघर्ष समिति परदाबाद अध्यक्ष पूनम देवी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च परदाबाद बस्ती से शुरू होकर परदाबाद मोड़, मोहन बाजार, पुराना हटिया होते हुए पुनः परदाबाद बस्ती पहुंची। वहीं महिलाएं पार्वती को इंसाफ दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, दोषियों को फांसी दो आदि की नारे लगा रहे थे। वहीं पूनम देवी ने कहा कि एरिया ये एक मतलब हमारी पार्वती नाम की एक बेटी अपने पापा का न्याय के लिए ईजे एरिया प्रबंधक से मिलने के लिए गई थी, वहीं पर उसको फांसी लगा के मार दिया गया है और बाथरूम में लटका दिया गया है, जिसका न्याय और उस ये के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। अगर बीसीसीएल प्रबंधन न्याय नहीं करती है, उसके कुछ वार्ता नहीं करती है, तो आपको क्या? इससे बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और बेटी को हम लोग न्याय दिलाएंगे। सबसे पहले तो हम बोलेंगे वहाँ के प्रबंधक को सस्पेंड किया जाए और उनके लिए उनको कानूनी कार्रवाई किया जाए। और आप तो जान रहे हैं कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री बने हुए हैं वो हम लोग के साथ अभी अन्याय ही अन्याय कर रहे हैं। उनके जब से वो सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ हादसा होते आई है और उसके लिए प्रबंधक ये प्रशासन का मन बढ़ गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हीं के इशारे पर नाच रही है। आज हमारी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है उसमें हमको लगता है कि प्रशासन क्या सरकार की मिलीभगत दी है क्या? हाँ, सरकार की मिलीभगत है। जो आंदोलन हम लोग का झारखंड ये क्या चल रहा है और जमीन का जो चल रहा है और उसी जमीन की लड़ाई के लिए आज इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। पूनम देवी, परगावाड़।